डिब्बा ट्रैक, ठीक है, थैंक यू आंटी। तो ये हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि करोल टिब्बा ट्रैक यहीं पे है। ट्रैकिंग शूज़ है नहीं, बहुत गलत जा रहे हैं। राहुल भाई क्यों कर रहे हो तुम? राहुल भाई, मस भाई, क्या हाल है बच्चों? कितना ऊपर है ट्रैक? करोल टिब्बा ट्रैक ऊपर ही है। कितनी ऊपर ही है? थोड़ा सा ऊपर है, बस आधे घंटे का रास्ता। आधे घंटे का रास्ता? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं है, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। चलो यार तुम भी हमारे साथ आ जाओ। नहीं। चलो ठीक है फिर। करोल करोल भाई, चलो ठीक है बच्चों, गलत तो नहीं बता दिया भाई, ये करोल है, हैं? झरने छोड़ भाई, मेरे तो पैर दुख गए भाई। बस हवा निकल गई भाई, मैंने खाया यार। गजब बेइज्जती है। भाई राहडी ने पहले क्या दिया, ऊपर बाघ हो सकता है, सो समझ के जाइयो। ऊपर से गड़बड़ी होगी ना, अपने पास लॉक नहीं था, वरना हेलमेट लॉक कर देते। अब क्या दिक्कत हो रही है, हेलमेट कैरी करके चलना पड़ रहा है। भाई मेरी बात सुन, अपने को कोई लेके आना चाहिए था हिमाचली, मत कर। अरे मैं हूं तो। तू हिमाचली है? बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं हिमाचली भाई? हाँ सोनम बेवफा लग रही है पूरी। आजा ब्रो, आजा, मजा आ रहा है पटने में। यस। मजा छोड़, बाघ आ गया फिर क्या करेगा। देखी जाएगी, आजा। रास्ता देखो भाई, कहाँ से आ रहे हैं हम, रास्ता देखो है ही नहीं कुछ, पानी और आ रहा है। मम्मी आपको बहुत प्यार करता था मैं, मतलब करता हूँ। राहुल रहन देते हैं यार, क्या हो गया भाई, बहुत मुश्किल लग रहा है ये। मुश्किल गाइस इसलिए लग रहा है क्योंकि यू नो कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऊपर से बाघ का बहुत खतरा है, भी बहुत खतरनाक है, रिस्क बहुत है ऊपर जाने में। बट स्टिल वी आर गोइंग थ्रू दीज डिफिकल्ट टेरेंस। पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो कि टच करे जाएँ तो खारिश शुरू हो जाती है 2 मिनट में, एंड मैंने अभी तक कुछ टच भी नहीं करा है। मेरी गर्दन पे ऑलरेडी इचिंग शुरू हो गया बहुत गंदे वाली। थोड़ा सा चलना भी बहुत मुश्किल लग रहा है, एंड मजाक नहीं कर रहा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब तक हम बहुत थक चुके हैं गाइस, बहुत ऊंचाइयों पे आ चुके हैं हम। मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। दिस इज द डिफिकल्टी ऑफ दिस ट्रैक, देख रहे हो कैसे पेड़ गिरने को हो रहे हैं, बट दिस कैन नॉट स्टॉप अस, वी आर स्टिल गोइंग। अगर एक भी पैर फिसला तो सीधा नीचे। चल राहुल बीच में खड़े हो, देख सकते हो गाइस, भाई खाना खा गया भी पैर फिसला, मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट द थिंग इज गर्मी, ऊपर से रिस्क। एंड यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, तो फाइनली हमें एक स्पॉट मिला काफ़ी अच्छा, यहाँ पे हवा भी काफ़ी अच्छी आ रही है, एंड हम उस पॉइंट से आए हैं यहाँ पे, सामने दिख रहा होगा आपको, मैं जूम इन करके दिखाऊंगा, बट तो व्यू बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से ये व्यू शुरू होता है। बस एक बार ये करोल टिब्बा ट्रैक कंप्लीट करके, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे इसको, इसको कंप्लीट करेंगे, बट ऐसे अगर आप देखें सुंदर है, बट एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं है यार, बस सेम ही चीज़ है। अभी हम इतनी हाइट पे हैं, बस ऊपर जाके थोड़ी सी और हाइट पे हो जाएंगे, प्लेन तो मिलेगा नहीं, पेड़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से वापस हो जाए, और गलती मुझे लग रहा है हमारी ये होगी कि हमने खाना खा लिया है ना राहुल? सही बात है, गलती होगी भाई, पहले खाना खा लिया। खाना बहुत हैवी था, खाना हैवी भी था। तो अब
पर उल्टी टिब्बा ट्रैक करने के चक्कर में आ तो गए जोश जोश में। अब थोड़ा बहुत चलते ही पता लग रहा है कि भाई खाना खा के ये चीज़ें करने वाली नहीं है बिल्कुल भी। जस्ट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी एक आधा फ्रूट खा लो, अपने साथ सामान कैरी करो, जूसेस कैरी करो। बट पिज़्ज़े खाने के बाद ट्रैक पे जाना इज़ अ स्टूपिडिटी जो मैं और राहुल कर चुके हैं। ये यार थोड़ा ख़तरनाक सीन। सक्सेसफुली हम पहुंच गए और मैं यहाँ बैठ रहा हूँ भाई। अब वेट कर भाई, मेरी फुल ऑन होगी गर्मी, पसीना आ रहा बहुत भयंकर। राहुल भाई मज़ा आ गया? मज़ा तो आ गया बट ट्रिप कंप्लीट करा नहीं हमने, तो आज की हमारी ट्रिप होती है ख़त्म। और मैं और राहुल भाई अभी निकल जाएंगे थोड़ी देर में घर की। और बाइक की कंडीशन देखो, कुछ मत देखो, कंडीशन देखो, मिट्टी ऐसे लगी है सदियों से धो ही ना हो। अभी इसको भी मॉडिफाई कराना है, रैप कराना है, ये वाले स्टिकर हटेंगे, दो चार चीज़ें, ये चुन्नी बदलूँगा, इसका जो एग्जॉस्ट है वो ब्लैक कर दूँगा जब तक नवा नहीं लगवाता। ना जा पाएंगे घर। ताओ की रापीड़ी पर स्टिल यार मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए और हम बक चौधरी करने से बात। बहुत भयंकर सीन भाई गाइस, मजा आ गया। ये एक्सपल्स वाला लेके गया सीधी, वो देखो कितनी प्यारी पोली यहाँ कर रही है, क्या कर रही है।